अपने टीम से कह रहा था, पूजा से बता रहा था कि आप लोग सब घर में आते हो, हॉल में नहीं आते, हॉल में आना शुरू कर दो. But I love you all very, very much. Thank you so much, each one of you. I know it's a... We try as much as we can, all of us, to make this as comfortable as it is possible for you. और मुझे मालूम है उसमें भी बहुत सारा वक्त लग जाता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, धूप भी होती है घर में भी. आई नो यू गाइज अ वेरी काइंड, बट आई विश आई कैन शो मोर काइंडनेस विद माई टीम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह व्हेन वी मीट टुगेदर. और क्योंकि मैं आपसे और भी बातचीत करूँगा, और भी चीज़ें जो आप चाहेंगे मुझसे पूछना. और इससे पहले, क्योंकि एक लड़का यहाँ है बोल जा रहा अनाउंसमेंट वगैरह ऐसे बोल रहा है, तो लाइक आई सेड दो तीन चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत अहम थी. एक उसमें यह था कि मैं थोड़ा सा वक्त लूँ, मेरे को थोड़ा जब चोट वोट लगती है, हर बारी मैं काम करता रहता हूँ तो फिर मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता. सो आई थॉट आई टेक सम टाइम आउट एंड रिकवर फुली, विच आई हैव. और मेरा और दूसरा ये, माई चिल्ड्रन वर गोइंग टू कॉलेजेस, तो मेरे को लगा उनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊँ. तीसरा ये कि ऐसी कहानियाँ सोचूँ, ऐसा सुनूँ जो आप सबको पसंद आए, वो ही नहीं जो मुझे सिर्फ पसंद आए. सो आई विल, सो जस्ट सो दैट यू नो इट फर्स्ट हैंड, आई एम बीन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ डायरेक्टर्स आर वर्किंग, एंड इंशाल्लाह मेरी आदत यह है कि जब मैं फिल्म शुरू कर दूँ तो तब उसके बारे में कहूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज देन वी ऑल्सो नो हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. तो इंशाल्लाह दो तीन महीने के अंदर जैसी फिल्में तैयार हो जाएंगी आप सबको मैं बता दूंगा. और ऐसा करेंगे, और इसलिए आई नो लॉट ऑफ पीपल वर राइटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ मीडिया पीपल की स्पेक्यूलेटिंग दैट आई मे बी अनाउंसिंग अ फिल्म ऑन माय बर्थडे. बट द ब्यूटी ऑफ माय फिल्म्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू इज कि जिस दिन भी अनाउंस करेंगे उसी दिन हम सबका जन्मदिन होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक दैट, एंड मोर देन द अनाउंसमेंट, बिकॉज आई थिंक आई ओ इट टू यू. बिकॉज जब मेरी फिल्म अच्छी होती है आप बहुत खुश होते हैं, जब बुरी होती है आप बहुत दुखी होते हैं. तो मैं आई अंडरस्टैंड दैट, आई रिस्पेक्ट दैट. और कभी ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ पूरी फिल्म बनाने का, बन जाती है. बट और वैसे ही मैं कभी अच्छी फिल्म बनाने की भी कोशिश नहीं करता हूँ, बन जाती है. सो या लाइक इस की हाँ, छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती है. So what I'll do is I'll work hard, inshallah I'll get healthier. And for me it is not just working for me, it is working for the pride, the happiness, the love, the warmth, the kindness. जो खुशी से, जो प्यार से, जो मोहब्बत से आप मुझे इतना देते हैं, मैं यही कोशिश करूँगा. So I'll work very hard. So I my son's friend Manav had made this video with all the inputs. सब कुछ कर दूंगा, action भी कर दूंगा, romance भी कर दूंगा, comedy भी कर दूंगा, एक सब हर किस्म की फिल्म करूंगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना. एक ही बस, अब मैं फटाफट एक action भी कर दूंगा, मैंने बोला ना, डांस वाली भी कर दूंगा, रोमांस वाली भी कर दूंगा. So I'll work very hard next year inshallah and try and finish as many films as I can, so we all have more moments of happiness, not because of me, because I know how much you enjoy watching films, not only mine, other actors also, and ye hamara kaam hai. Aur bahut 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 saalon ke baad mujhe bhi mauka mila ki 6-8 mahine mein dusron ki filmein dekhi, to main aur bhi zyada inspire ho chuka hu main. So let's, अब जब तूने इंटरप्ट कर ही दिया है, इसका था कि ये शाहरुख की तो सुनोगे पहले मेरी सुनो, हमने सुन ली तेरी, हम पहले केक काटते हैं, so then we'll continue talking. You know, he already started it, but all the beautiful things that you said, I really can't wait. I think कोई इतना इंतजार नहीं करा है लाइफ में कि आपकी फिल्म आएगी, finally it'll be announced, but because it is your day, man. It is all about you. So everybody get up, khade ho jao. Here we go. बेवकूफ बनाने की सबसे अच्छी लाइन.
मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, इसका क्या मतलब है? अगर आप आपके पास एक लड़का आया और उसने कहा कि राधिका मुझसे शादी, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता. सपोज एक लड़की आई, सीमा ने आके रवि को बोला कि रवि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अब इसका जवाब सुनिए आप. हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं. शादी भी एक बार होती है और प्यार एक बार होता है. तुम नहीं समझोगी सीमा, तुम नहीं समझोगे रवि, कुछ कुछ होता है. और लगता है ऐसे कि कितनी रोमांटिक बात कही है. फिर उसकी फ्रेंड पूछती है उससे कि रवि सीमा ने हाँ बोल दिया? इसे पता नहीं यार, उसने बोला कुछ कुछ होता है, मैं समझूंगी नहीं. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द ग्रेटेस्ट डायलॉग करण जौहर हैज रिटन फॉर लवर्स विदाउट मेकिंग एनी कमिटमेंट टू एनीवन. इट जस्ट इंप्रेसेस यू वेरी. एवरीबॉडी बॉट इट, एवरीबॉडी बॉट इट, सबको यकीन है इस डायलॉग पे. और आप ये कभी भी ट्राई कर लेना, मुझसे यंग लड़के लड़कियां मिलते हैं बिकॉज दे थिंक आई एम रोमांटिक हीरो, सो दे आस्क मी. This dialogue will never fail and never get you caught and never put you in trouble. You can always use this and us waqt lagega usko jaise main Suren ko bol dun ki yaar hum ek baar jeete ek baar shaadi bhi ek baar hoti hai pyar tu nahi samjhega Suren kuch kuch correct sir kal milte hain okay bye aisa karke kuch pata farak nahi padta yaar tum ek second sir main ye bahut ajeeb si baat nikli hai yahan se. एक गुज्जू आदमी कह रहा है कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है. ड्राई स्टेट का बैंड है तुम्हारी स्टेट में, पता है? इसकी फोटो डाल दो गुजरात में. आपने तो अपनी फिल्म में वो भी सिखा दी कि गुजरात में कैसे धंधा होता है. नहीं भाई, मैं अम्मी जान कहती थी अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. लेकिन ट्राई मत करना गुजरात में इस धंधे का. बहुत कौन सा डायलॉग हुआ? ओके ओके ओके, इसको वाला चाहिए. तेरा बिल्कुल ना, तो एकदम नंबर वन अयाश निकल रहा है. तेरे को प्राइवेट प्लेन चाहिए, तेरे को सब शराब चाहिए, शबाब चाहिए, कबाब चाहिए. तो बहुत गलत आदमी है. कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता हम तो पीते यहां पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके. इसके बाद मुझे मालूम नहीं है, मतलब बड़ा कोई इतना ही है बस यार. हाँ, हाउ वी कैन प्लीज. ओके, सो जिन लोगों ने सवाल पूछे थे प्लीज जरा ओके. एक उन्होंने पूछा था, एक इन्होंने, एक इस लेडी ने, एक उन्होंने द इंडोनेशियन गर्ल्स. आई थिंक फर्स्ट टू गिव द थिंग्स टू द गर्ल्स फर्स्ट. इंडोनेशियन गर्ल्स, मुझे क्या लगता है यार, सवाल सभी के अच्छे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. हां, सबसे अच्छा तेरा, तेरे को प्लेन दूंगा मैं. गिव इट टू दिस गर्ल्स, द यंग गर्ल्स है एंड दिस यंग लेडी हियर आल्सो. जिसने सवाल पूछा सब टूट पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट वन सर. वो दो लड़के भी थे वहां पीछे भी थे, उसको दे मेरे अर्जुन, अर्जुन भतीजे को तो अर्जुन को दे देना प्लीज यार. इसको भी दे सर, यहां पे सर, यहां पे इसको भी दे दो सर. सर ये तो खर्चा करा रहा है आपका, ये तो चाहता कि आप जेट खरीदे. गुरु गुरु का है, नार कुंडा नार चप्पा बन रहे. सर सर यहां पे रक्षित, रक्षित रक्षित, एक रक्षित को भेज दो आखिरी है. सो गिव वन टू रक्षित प्लीज. रक्षित सॉरी आई एम नॉट चूजिंग बेटर. अंशुल तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से यार. आई कैन इफ यू ऑल वांट टू डांस. ओके गाइस, नाउ फोन रख दो. This is your moment. This is your. तेरे को जब back मिलूंगा तुझे gift दूंगा. तू gift लेने आया था इतनी दूर, मम्मी और डैडी के grave पे जाके तू फूल चढ़ा रहा है और यहाँ पे आके gift मांग रहा है तू मुझको. एकदम बिल्कुल कोई लगन नहीं होनी चाहिए तुझको, एकदम प्यार होना चाहिए ऐसा. Okay guys, dialogue सुन लिया. अब ये ज़्यादा बड़ा return gift है. खड़े हो जाओ सारे. Because ये वैसी हो सकती है. किसको आती है? किसको आती है? तो तू अपने कुर्सी पे खड़ा हो जा. कुर्सी पे खड़ा हो जा. गिरना नहीं है, गिरना जाना प्लीज.
बड़ा।